हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। देखिए, धीरे धीरे हम लोग अपनी इंग्लिश की जो बेसिक्स क्लास है उसमें हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत ही बारीकी के साथ। बिल्कुल मैंने लेटर से स्टार्ट किया है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है। डेफिनेटली अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत वीक है, मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ या फिर मेरे को एडवांस लेवल तक कैसे इंग्लिश समझनी होगी, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी अगर चैनल का फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इसके अलावा हम लोगों के चैनल पर आपके हिंदी की, संस्कृत की, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी अपलोडेड है, आप लोग वो क्लासेस भी देखकर आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आपकी क्लास। देखिए, इससे पहले मैं आपके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखिए, ताकि जो आपकी बिल्कुल बेसिक्स है इंग्लिश ग्रामर का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी डेफिनेटली। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, मैं आपको ले आई थी एक इंग्लिश ग्रामर की बिगेस्ट यूनिट होती है सेंटेंस, और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के लिए तीन बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से रीमेमोराइज की थी। क्या क्या थी? सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर की क्या है, बिगेस्ट यूनिट है। सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में कलेक्शन होता है किड्स का, वर्ड्स का, तो यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट मीन, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, और फिर वहीं सेंटेंस के वर्ड्स को जब हम अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं तो वहां से एक हमारा सब टॉपिक निकल के आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां तक की बात मैं आपसे कर चुकी थी, अब जरा थोड़ा आगे की चीजें और समझते हैं। देखिए, किसी सेंटेंस में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं हम उन्हें दो बेसिस पे जज करते हैं, या तो हम उसे जज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे, या फिर हम उसे जज करते हैं फंक्शन ऑफ द वर्ड, यानी कि उस वर्ड का उस सेंटेंस में क्या फंक्शन है उसके बेस पर हम उसे जज करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने कल कर ली थी, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब हम किसी वर्ड को उसके फंक्शन के बेस पे जज करते हैं, किसी शब्द को, वर्ड का मतलब किससे है, शब्द से, फंक्शन का मतलब किससे है, उसके कार्य से, यानी कि जब कोई वर्ड हम किससे जज कर रहे हैं, उसके कार्य के बेस पर हम जज कर रहे हैं, तो फिर वो जनरली फाइव तरीके से क्या करता है, फंक्शन करता है किसी सेंटेंस में। वो फाइव पार्ट आपके कौन कौन से हैं, तो वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, वो किसी सेंटेंस में वर्ड वर्ब का काम कर सकता है, या फिर कोई वर्ड हो सकता है किसी सेंटेंस में किसका वर्क कर रहा हो, ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा हो, या फिर हो सकता है किसी सेंटेंस में कोई वर्ड कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा हो, या फिर हो सकता है कोई वर्ड जो है उस सेंटेंस में एडवर्बियल का काम कर रहा हो। ठीक है, इतनी तो बात हमने कर ली थी, अब जरा मैं छोटा छोटा इंट्रोडक्शन इन सब चीज़ों का देती हूँ, ताकि अभी मैं आपको इस लेवल तक ला पाऊँ कि अभी सेंटेंस जब मैं आपके सामने लिखूँ आप उसमें ये फाइंड आउट कर पाएँ कि अगर उस सेंटेंस में यूज़ होने वाला कोई वर्ड है तो एक तो पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है वो आपको समझ आ सके, और दूसरा आप ये भी बता सकें कि पार्ट ऑफ स्पीच होने के साथ साथ वो किसका फंक्शन प्ले कर रहा है उस सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि वो वर्ड किसकी तरह काम कर रहा है उस सेंटेंस में। ठीक है, तो वो आप कब पता कर पाएंगे, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ये सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, कोई वर्ड अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो कब हम उस वर्ड को एक सब्जेक्ट कहेंगे वो जरा समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही फैमिलियर लैंग्वेज में हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कर्ता। कर्ता का मतलब ही क्या है, कार्य को करने वाला। अब कार्य से मतलब क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, कार्य से मतलब होता है किसी क्रिया को करने वाला, यानी कि वर्ब। किसको करने वाला, वर्ब को करने वाला, या फिर एक्शन को करने वाला। तो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब को करने वाला है या जो किसी एक्शन को करने वाला है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही अगर इसको हम इजी वे में डिफाइन करने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या होता है किसी सेंटेंस में, तो हम क्या कह सकते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन या डूअर ऑफ द वर्ब। डूअर का मतलब क्या है, करने वाला, और क्या करने वाला, एक्शन। एक्शन यानी कि जो उसमें कार्य हो रहा है,
वर्ब यानी क्रिया, किसी सेंटेंस की क्रिया को करने वाला उस सेंटेंस का क्या कहलाता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है, उस सेंटेंस का कर्ता कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? अभी नहीं क्लियर है, थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए जनरली मैं आपसे कोई सेंटेंस बोलती हूँ, मान लीजिए राम एक पत्र लिखता है, मान लीजिए हम लोगों ने कहा राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, हम लोगों ने क्या कहा, राम राइट्स ए लेटर। अब आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, थोड़ा इस यहां मैं लिख के आपको बताती हूँ, देखिए राम राइट्स ए लेटर, मान लीजिए हम लोगों ने ये लिखा। अब राम राइट्स ए लेटर, सबसे पहले आपको इसमें ये फाइंड आउट करनी है, अगर आप किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना चाहते हैं तो आप वो एक्शन पता कर लीजिए, आप वो वर्ब पता कर लीजिए कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो किसका काम हो रहा है, राइट यानी लिखने का काम हो रहा है। अब ये लिखने का काम कौन कर रहा है, जरा सोचिए, एक लेटर लिखने का काम करेगा या राम लिखने का काम करेगा, क्या लिखने का काम करेगा? तो भाई राम ही तो क्या लिख रहा है, राम ही तो पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब आपको पता चला कि जो लिखने का काम है वो किसने किया, वो किया राम ने। इसकी अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, वो लेटर हुआ या राम हुआ? तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो राम होगा, क्योंकि भाई पत्र तो राम को नहीं लिखेगा, कौन लिख रहा है, लिखने का जो काम है, जो वर्ब है राइट, वो राइट वर्ब को कौन कर रहा है, कौन लिखने का काम कर रहा है, राम। तो इसलिए ये जो राम है वो इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है, एक सेंटेंस और समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने लिखा माय मदर कुक्स द फूड, ठीक है, माय मदर कुक फूड, चलिए कोई भी ले लेते हैं, माय मदर कुक्ड फूड, ठीक है, मेरी माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है। अब यहां क्या हो रहा है, मेरी माँ खाना बनाती है। अब जरा देखेंगे, आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में भाई क्या क्या वर्ब हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है। तो कुक्ड जो है यहाँ पे वर्ब हो रही है, खाना बनाने का काम हो रहा है, लेकिन वो जो एक्शन है, वो जो वर्ब है, कौन कर रहा है, क्या खाना कर रहा है या फिर मदर कर रही है? तो वो मदर कर रही है ना, तो वो मदर उस सेंटेंस का क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, डूअर ऑफ द एक्शन या वर्ब, और डूअर ऑफ द एक्शन और वर्ब क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट जो अपने को सब्जेक्ट के लिए याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट टू फॉर्म्स में आपको मिलता है, वो या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर वो प्लूलर भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूलर भी हो सकता है, ठीक है। इनके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तीसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर आप किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना चाहते हैं तो फिर हम वहाँ जो मेन पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन और प्रोनाउन को यूज करते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे मैंने क्या कहा, कि अगर किसी भी सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो हम वहां किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, तो फिर हम वहां नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच को एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर पाए। इसके अलावा अब आप देख रहे होंगे यहां मैंने लिखा है जीरंड और लिखा है इन्फिनिटिव, तो ये जीरंड और इन्फिनिटिव भी जब किसकी तरह वर्क करते हैं, जब ये नाउन की तरह वर्क करते हैं तभी हम इनको क्या बना सकते हैं, तभी हम इनको किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब जीरंड क्या है, अभी शॉर्ट में समझ लेंगे, आगे पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगी मैं जीरंड और इन्फिनिटिव पे भी, बट अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। जब वर्ब की फर्स्ट, जब वर्ब मेन वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म प्लस कर देते हैं, तो फिर वो वर्ब हमारी किसका काम करने लगती है, वो वर्ब हमारी नाउन की तरह वर्क करने लगती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ इन्फिनिटिव में क्या याद रखना है, जब आप टू के साथ क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वो वर्क किसकी तरह करे, नाउन की तरह वर्क करे, तो फिर हम उसे किसकी तरह यूज कर सकते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट हम बनाकर हम उसे यूज कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। सब्जेक्ट के लिए क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन या डूअर ऑफ द वर्ब, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, जो भी सब्जेक्ट है वो या तो सिंगुलर होता है या प्लूलर होता है, इन टू फॉर्म्स के अलावा आपको सब्जेक्ट किसी तीसरी फॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट वन थिंग जो अपने को याद रखनी है कि सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी टर्म को कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होना जरूरी है, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तभी हम उसे क्या बना सकते हैं, तभी हम उसे एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा सब्जेक्ट से और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करूंगी मैं वर्ब की। अब वर्ब क्या था भाई? अब सबसे पहले यही, जैसे अगर आपको सब्जेक्ट समझ आ जाएगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वर्ब क्या होती है। देखिए, यहां मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया कि डूअर ऑफ द एक्शन या डूअर ऑफ द वर्ब, कि जो क्रिया को करने वाला है वो कौन है, करता है। अब इसी का अगर मैं थोड़ा सा आपको पलट के बात कहूं, कि ये कहूं मैं कि जो सब्जेक्ट है वो जिस क्रिया को कर रहा है, जिस वर्ब को वो कर रहा है, जिस काम को वो कर रहा है, वही क्रिया वही काम क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है, ठीक है। फिर से एक बार सुनेंगे कि जो सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का, वो सेंटेंस में जो वर्ब कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वही जो क्रिया है वही कार्य है, वो क्या कहलाता है, वो सेंटेंस की वर्ब कहलाती है। इसलिए वर्ब को अगर डिफाइन किया जाए बहुत ही इजी वे में, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड्स यानी कि वही किए, डूइंग वर्ड्स यानी कि वही करने वाले जो वर्ड हैं, जो कार्य किया जा रहा है, तो वो जो कार्य किया जा रहा है वही डूइंग वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस की क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए राम राइट्स ए लेटर। अब यहाँ जो राम है वो किसका काम कर रहा है, क्या काम कर रहा था, क्या क्रिया की उसने लिखने की, किसकी क्रिया की, लिखने की। तो ये जो लिखने की क्रिया है, यही जो राइट वर्ड है, ये आपका उस सेंटेंस की क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है कि जो कर्ता सेंटेंस में जो काम करता है, जो क्रिया करता है, उस कार्य करने को, उस क्रिया वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज होती है वो टू फॉर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। कोई भी वर्ब या तो वो सिंगुलर होती है या फिर वो प्लूलर होती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट और एक वर्ब का बड़ा तगड़ा क्या है, एक एग्रीमेंट है, जिसका एक पूरा एक चैप्टर होता है सिंटैक्स, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां से एक पॉइंट और अपने को ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, और अगर प्लूलर सब्जेक्ट होगा तो वो अपने साथ में क्या लेती है, प्लूलर वर्ब लेती है। बट ये दोनों एक दूसरे से डिफर है, यानी कि क्या डिफरेंस है जरा वो भी यहीं समझ लो, यानी कि वर्ब कब सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट कब सिंगुलर होगा, जरा वो समझ लीजिए। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कब होता है, जब हम उसके साथ में एस या ई एस या आई ई एस प्लस नहीं करते, तब वो हमारा सब्जेक्ट कैसा रहता है, तब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है। लेकिन अगर वर्ब के सिंगुलर होने की बात की जाए तो फिर आपने देखा होगा भी, जस्ट ही मैंने एक सेंटेंस लिखा था यहाँ पे, मान लीजिए माय मदर गिव्स अ नोटबुक टू मी, ठीक है, माय मदर गिव्स अ नोटबुक टू मी, माय मदर के बाद मैंने क्या यूज किया, गिव्स लगाया। अब आपने देखा मैंने यहाँ क्या जोड़ा, एस, क्या जोड़ा, एस, और जबकि एस जोड़ने के बावजूद भी ये जो वर्ब है वो किसका रोल प्ले कर रही है, वो रोल प्ले कर रही है सिंगुलर वर्ब का। यानी कि क्या समझ आया, तो समझ ये आया कि जब हमें सब्जेक्ट सिंगुलर बनाना है तो उसके साथ में एस ई एस या आई एस नहीं जोड़ना है, और जब वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो हमें जरूरत के अकॉर्डिंग या तो एस या ई एस प्लस करना होगा, किसमें, वर्ब में, तब जाके वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। और अगेन यही प्लूलर सब्जेक्ट और प्लूलर वर्ब की बात की जाए तो क्या कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपको सब्जेक्ट प्लूलर करना है, क्या सब्जेक्ट अगर क्या करना है, प्लूलर करना है, तो आपने को क्या करना पड़ेगा, वहां एस या ई एस या और भी टर्म्स हैं जो हमें ऐड करनी होती हैं सब्जेक्ट को प्लूलर बनाने के लिए। लेकिन अगर वर्ब हमें प्लूलर यूज करनी है तो फिर वहां एस या ई एस को ऐड नहीं करना होता। इतनी बात अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है कि वर्ब कब सिंगुलर होती है, जब उसमें एस या ई एस जुड़ता है, और सब्जेक्ट कब प्लूलर होता है, जब उसमें एस या ई एस जुड़ती है, और वर्ब में जब एस या ई एस जुड़ती है तो वो सिंगुलर हो जाती है, और जब सब्जेक्ट में एस या ई एस जुड़ता है तो वो प्लूलर हो जाता है, ठीक है।
चलिए अब जरा आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, वर्ब में अभी इतना ही ध्यान रखिए, बाकी जो वर्ब के टाइप्स हैं या फिर और क्या क्या बातें हैं जब वर्ब का डिटेल चैप्टर डिस्कस करेंगे, अभी तो ये मैं केवल आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ताकि अभी आपको ये सेंटेंस जब लिख दिया जाए और आपसे ये कराया जाए कि सेंटेंस के वर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वाला वर्ड है और कौन कौन सा वर्ड किस किस का रोल प्ले कर रहा है, मतलब वो फंक्शन किसकी तरह कर रहा है, आप उसको बताने के लिए क्या हो पाए, आप कैपेबल हो पाए, आप स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ इन सब चीजों का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो समझेंगे कि ऑब्जेक्ट आता कब है। सबसे पहले तो हर सेंटेंस में, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। तो कहाँ जरूरत पड़ती है सेंटेंस की, तो जरा समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड नाउन और प्रोनाउन। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, अब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, इसको भी और इजी लैंग्वेज में समझिए जरा। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव में एक वर्ड छुपा है ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि ऐसी वर्ब जिनको ट्रांसफर होने के लिए, जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी नीड होती है, किसकी जरूरत होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। एक बार फिर से सुनेंगे मेरी बात, ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ऐसी वर्ब जिनको ट्रांसफर होने के लिए, जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, नीड होती है किसी नाउन और प्रोनाउन की, और उसी नाउन और प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, उसी नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर है। जब ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की नीड होती है, तो उसी नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उस ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट होने का रोल जो प्ले करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होने का जो फंक्शन प्ले करता है, वो कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच करती है, वो भी आपके नाउन और प्रोनाउन करती है, ठीक है। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच रोल प्ले करती है ऑब्जेक्ट होने का, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पे जान लेंगे अभी शॉर्ट में, कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, टू टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी वर्ब को ट्रांसफर होने के लिए एक नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन की नीड होती है, तो वहां तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और वहीं अगर क्या हो, किसी ट्रांजिटिव वर्ब को एक लिविंग नाउन या प्रोनाउन की नीड हो, तो उस लिविंग नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू जरा समझ लेते हैं क्या डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है। चलिए जरा समझ लेंगे। ही गेव मी अ न्यू कार। चलिए एक सेंटेंस लिखा हम लोगों ने, क्या देखा, ही गेव मी अ न्यू कार। अब यहां अगर बात की जाए, गेव यानी कि वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, गेव मी यानी कि क्या, अब इसने मीनिंग कंप्लीट किया कि भाई दिया, अब किसे दिया, मुझे दिया। तो ये जो मी है यहां किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्या दिया, अ न्यू कार, ये भी किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। He gave me किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, अ न्यू कार, और न्यू कार भी किसका रोल प्ले कर रही है, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ ये देखना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जस्ट ही मैंने इसको ईजी करने के लिए आपको बताया कि जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो लिविंग थिंग होगी वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो नॉन लिविंग क्या है, मी नॉन लिविंग है या ए कार नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग क्या है, अ न्यू कार, ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट। और जो मी है वो आपका कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में आपका कोई सिंगल ऑब्जेक्ट आ सकता है, और हो सकता है किसी सेंटेंस में आपके दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएं, ठीक है। चलिए, तो ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर। आगे और चीजें देखेंगे जरा, देखिए। तो आई होप ऑब्जेक्ट क्लियर है। और ऑब्जेक्ट जो एक यहां और देख लेंगे, एक पॉइंट और लिखा है, जो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच करती है। तो ऑब्जेक्ट का भी जो रोल प्ले करती है वो नाउन और प्रोनाउन करेगी, ठीक है। यहाँ भी जीरंड और इन्फिनिटिव जब एज अ नाउन वर्क करते हैं तो वो किसकी तरह यूज हो सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं। मेरी बात एक बार फिर से सुनेंगे, मैंने क्या कहा,
कि आपके किसी ऑब्जेक्ट का जो रोल प्ले करती है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच करती है, नाउन और प्रोनाउन करती है, और जब इन्फिनिटिव और जीरंड भी किसकी तरह रोल प्ले करते हैं, वो आपका रोल प्ले करते हैं किसका, नाउन और नाउन का, तो वो किसकी तरह वर्क कर सकते हैं, तो फिर वो भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी एक वर्ड छिपा हुआ है, कंप्लीट, यानी कि ये क्या करता है, कंप्लीट द मीनिंग, कंप्लीट करता है मीनिंग को। अब किसके मीनिंग को, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है। और दूसरी बात, ये हमें कुछ ना कुछ बताता है, ये टोल्ड समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, एक तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है, और दूसरी बात क्या करता है, या ये तो किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। इसी के बेस पे जो आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं वो भी टू टाइप के हो जाती हैं, एक हो जाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब कब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, कब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपसे ये कह दिया, राधा इज ए डॉक्टर। अब यहां क्या हो रहा है, राधा इज, अब राधा इज यानी कि ये जो वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। अभी थोड़ी और चर्चा करेंगे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में, बस अभी मैं ये समझा दूं कहां सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कहां ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो राधा इज ए डॉक्टर, अब ये ए डॉक्टर किसके लिए आया है, राधा के लिए ही तो आया है भाई। राधा क्या है, राधा एक डॉक्टर है। तो जब कॉम्प्लीमेंट किसको डिफाइन करें, जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ हो, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करे, तो वहां जो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जरा देख लेते हैं। हमने सेंटेंस यूज किया कि ही कॉल्ड हिम अ लायर, मान लीजिए हम लोगों ने क्या कह दिया, ही कॉल्ड हिम अ लायर। अब मान लीजिए ही कॉल्ड हिम, अब उसे यानी कि जो हिम है वो क्या था, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, और हमने उसे क्या कहा, अ लायर कह दिया। यानी कि जब उसे अ लायर कह दिया तो वो क्या हो गया, वो जो अ लायर है किसको डिफाइन कर रहा है, वो उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। इट मींस कि जो वो लायर वर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट, आई होप क्लियर है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन पार्ट होता है एडवर्बियल। एडवर्बियल को जरा मैं अलग से एक पार्ट इसका अपलोड करूंगी, उसमें डिफाइन करूंगी, क्योंकि एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं कि क्या होता है फंक्शन ऑफ द वर्ड, कैसे कैसे हमें समझना है कि कोई वर्ड जो है वो किस फंक्शन, किसकी तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, अब जरा दूसरा पार्ट समझेंगे इसका कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जब कोई वर्ड किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है, तो कब हम उस पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वाला वर्ड है। तो जरा समझेंगे सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, थोड़ी थोड़ी बात जानेंगे, जिससे कि एक नॉर्मली हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो आने वाला वर्ड है सेंटेंस में वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए नाउन की, इन सबको मैं डिटेल डिस्कस करूंगी इन सबको, लेकिन वो अपलोडेड होंगी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो, और उनमें सबकी डिटेल्ड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हम लोग एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। बस अभी जरा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। ठीक है, देखिए नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन क्या है, किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो वो क्या है, वो इंग्लिश ग्रामर में नाउन है, चाहे वो विजिबल हो, इनविजिबल हो, कैसी भी चीज हो, अगर आप उसको देख पा रहे हैं, आप उसको टच कर पा रहे हैं, आप उसको नहीं भी देख पा रहे, आप उसको नहीं भी टच कर पा रहे, तो भी हर कंडीशन में वो क्या है, वो नाउन है। इसलिए नाउन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही इजी आपको क्या याद रखना है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, देखिए अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, इनका जब मैं आपका पर्टिकुलर हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे इन सब के ऊपर। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक तो नाउन की रिपीटेशन को खत्म करते हैं, और दूसरी बात नाउन वर्ड को हटाकर उसके प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो आपके वर्ड कहलाते हैं प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड डेट यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। ओके, आई होप इतना क्लियर है कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा की बारंबारता को
दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे वर्ब। तो वर्ब को हम लोग डिफाइन कर ही चुके हैं, एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। उसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब, दोनों को एक साथ समझ लीजिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्या हैं? दोनों ही आपके क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं। क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब किस किस की विशेषता बताते हैं जरा वो समझेंगे। जब अगर एडजेक्टिव आया है तो वो क्वालिफाई करेगा, वो विशेषता बताएगा किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? विशेषण। यानी कि जब नाउन और प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताएगा, जब नाउन और प्रोनाउन को कोई क्वालिफाइंग करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, तो विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव वो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे एडवर्ब क्या था। एडवर्ब भी आपके क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, बट डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। डिफरेंस है, एडवर्ब कब होगा? जब वो क्वालिफाइंग वर्ड्स किसकी विशेषता बताएंगे? जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जाए, वर्ब को क्वालिफाई किया जाए और एडवर्ब को क्वालिफाई किया जाए, तब वो वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब कोई शब्द क्या करे, जब कोई शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या वर्ब को क्वालिफाई करे, या एडवर्ब को क्वालिफाई करे, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस भी आपके वो वर्ड्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? इनको हिंदी में कहा जाता है संबंध बोधक। ये जो आपके वर्ड होते हैं रिलेटिंग वर्ड, वो किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी एनोदर वर्ड के साथ क्या बताती हैं? रिलेशन क्रिएट करती हैं, रिलेशन बनाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रीपोजिशंस कहा जाता है। ठीक है, कंजक्शंस देख लेंगे। कंजक्शंस को कहा जाता है संयोजक, यानी कि ये कंजक्शंस क्या करते हैं? कंजक्शंस इनको क्या कहा जाता है? इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स। ये क्या करते हैं? या तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं, या फिर ये सेम फ्रेज को कनेक्ट करती हैं, या फिर इनसे क्लॉज कनेक्ट किए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये कनेक्ट करते हैं, या तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करेंगे, नाउन को नाउन से, जैसे राम एंड श्याम, तो एंड जो है वो क्या है? वो कंजक्शन है, इस तरीके से। बाकी देखेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, जो क्या करते हैं? सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आई होप इन सारी बातों को बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सीखा, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। बाकी इसके बाद अब मैं हर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए, बिल्कुल कैसे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या एरर्स वगैरह आती हैं, वो सारी चीज़ों को हम उनमें इंक्लूड करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए, तो हम लोग कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन।